नमस्कार दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी अभी नहीं करेंगे क्रिकेट में वापसी, बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे T20 सीरीज। दोस्तों ये रिपोर्ट आ रही है, दोस्तों वो जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन आप चाहते हो कि MS धोनी वापसी करे और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में खेले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ICC विश्व कप 2019 के बाद क्रिकेट से 2 महीने का ब्रेक लिया था, जिसकी वजह से वह भारतीय टीम के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं गए थे। वही इस समय वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी नहीं खेले हैं और दोस्तों उनकी वापसी को लेकर रहस्य बरकरार है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में शामिल नहीं किया। और अब महेंद्र सिंह धोनी को लेकर मुंबई के एक अखबार की ओर से खबर आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अभी क्रिकेट से अपने ब्रेक पर विस्तार करने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से वह बांग्लादेश के खिलाफ आगामी T20 सीरीज और विजय हजारे ट्रॉफी में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस रिपोर्ट के हिसाब से धोनी के क्रिकेट में वापसी और उनकी संन्यास के फैसलों पर अटकलें अब नवंबर तक के लिए बढ़ गई है। और दोस्तों गौरतलब है कि धोनी अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर है और अब वह नवंबर तक क्रिकेट से दूरी बनाकर रखेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में भारत के उभरते हुए खिलाड़ी ऋषभ पंत को टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में मौका दिया जा रहा है। भले ही पंत अभी तक मिले मौके को पूरी तरह से भुना नहीं सके हो, लेकिन अभी एक दिन पहले ही दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने 2020 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए ऋषभ पंत को ही विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में चुना है। और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व कप के खत्म होने के बाद भारतीय टीम के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर ना जाकर भारतीय आर्मी को अपनी सेवाएं देने का फैसला लिया था, जिसके बाद वह 15 दिन कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात थे। वही चयनकर्ताओं ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में यह कहकर बाहर रखा था कि वह टीम के चयन के दौरान मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।